हाँ, तो आज की क्लास में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त का परिमाप, ये सब सूत्र लिखते हुए इनको हल करेंगे। तो आप देखिए, पहला सवाल कि आपको एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं। आर का जो मान है वो है 3.5 सेमी। अब इस प्रश्न में दो चीज पूछी गई हैं, एक परिधि और एक क्षेत्रफल। तो पहले लिखेंगे वृत्त का की परिधि जिसका सूत्र होता है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr जो आपने 9वीं क्लास में भी सीखी है, 8वीं भी सीखी है। तो ये r का मान है 3.5, यहाँ पाई का मान है 22/7, और r की जगह आप लिखोगे 3.5। 3.5 का पॉइंट हटा दें तो बटे में आ जाएगा 10। अब देखिए, ये दोनों संख्या कट रही है, 7 से 35 कट रहा है 5 बार, और 5 से 10 कट रहा है 2 बार, और 2 से 2 कट गया। तो हम देखते हैं, 7 से 35 को काट दिया 5 बार, 5 से 10 को काट दिया 2 बार, 2 से 2 कट गया 1 बार। इस तरह से हमारे पास जो संख्या बची वो है 22। तो ये है वृत्त की परिधि। अब दूसरा चीज है क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान फिर 22/7, आर का मान आप देख रहे हैं 3.5 है, पॉइंट हटाएं तो 35/10, 35/10। गौर करें, 2 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है। अब फिर काटेंगे ये 35, 5 बार, 5 से 10 को काट दिया 2 बार, 2 से 11 को बार काट दिया 22 को। फिर इन पर ध्यान दें कि 7 का जो पाड़ा अगर आता है, यानी 7 की टेबल में 35 और 10 दोनों आते हैं, तो 35 तो कितनी बार आता है, 5 की टेबल में 7 बार, तो 35 आएगा, और 5 की टेबल में 2 बार 10 आएगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि 11 और 7 बच गए, 11 और 7, और नीचे बच गया 2, अर्थात 77/2, और जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 38.5। अब आप देखेंगे इसका मात्रक होगा सेमी स्क्वायर, तो लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपने देखा बहुत सरल चीज़ें हैं, सूत्र याद करने, परिधि 2πr, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान दिया हुआ है लिखना है, और जो संख्याएं कटती उनको काट दीजिए, बाकी का गुणा भाग कर दीजिए, और आपका सवाल हो जाएगा। इसी तरह आप देखिए कि क्या दिया हुआ है सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में दी हुई है परिधि और पूछ लिया उसका क्षेत्रफल। तो पहले परिधि के बराबर उसका मान लिखेंगे, यानी सवाल नंबर 2 के अंदर आपको परिधि दी हुई है, सवाल नंबर 2 परिधि दे दी 44 मीटर। तो इस तरह से लिखेंगे कि वृत्त की परिधि है
44 मीटर। अब आप सूत्र जानते हो परिधि का क्या होता है, 2πr बराबर 44। अब r बराबर यानी त्रिज्या आपको यहाँ से ज्ञात करनी है, तो ये 2π है, ये इसके भाग में चला जाएगा, 44/2π, 2π, पाई का मान यहाँ रख दीजिए, 22/7, ये 22 और बटे के नीचे बटा आता है तो 7 ऊपर भेज दीजिए। ध्यान दीजिए पाई का मान है 22/7, तो पहले से बटा लगा हुआ, उसके नीचे अगर बटा है तो इस मान को आप ऊपर भेज दीजिए। इस तरह से आप देखते हैं कि आर का मान 7 आ गया, 7 मीटर। कैसे आया गौर करें, 22 ये करता है 44 को काटता है 2 बार और 2 से कट गया 2, तो बच गया 7। इस तरह से त्रिज्या आ गई हमारे पास में 7। अब ये क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर सूत्र लगाइए, क्षेत्रफल क्या होता है, πr² क्या होता है, πr² अब r का मान आ गया 7, तो आप लिखेंगे 22/7 r² यानी 7 × 7। आप देखते हैं 1 7 6 1 7 कैंसिल हो गया, कट गया, तो 22 को 7 से गुणा करें तो आएगा 154 वर्ग मीटर, या आप लिख सकते हैं m², इन दोनों में से कोई एक लिख दें। इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 m². अगला प्रश्न है, एक अर्धवर्ताकार प्लेट जिसकी त्रिज्या है 21 मीटर, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। यानी अभी हम पूरे वृत्त की बात कर रहे थे, जब अर्धवृत्त की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में उसका आधा लगा देंगे, यानी 1/2πr² करेंगे। तो सवाल नंबर 3, पहले आप प्रश्न को पढ़कर वो चीज़ लिख लीजिए जो आपको दी हुई है प्रश्न में। तो गौर करें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या दी हुई है, प्लेट की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है आर, तो आर का मान है 21 मीटर। अब लिखोगे अर्धवृत्त प्लेट का क्षेत्रफल, तो आपने याद किया कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त का हो जाएगा πr² / 2 या 1/2πr². अब यहाँ मान लिखेंगे 1/2, पाई का 22/7 और r आ गया 21 × 21। ऐसे लिखने के बाद में 7 से 21 कटेगा, 7 के पहाड़े में कितनी बार आता है वो यहाँ लिख दें, कितनी बार आता है 3 बार। इसी तरह 2 से 22 कटेगा, 11 बार, तो हमारे पास में क्या बच गया, 11 × 21 × 3। अब 11 को 21 से गुणा करिए और जो आता है उसको 3 से गुणा करिए, तो 11 को 21 से गुणा करने पर 231, फिर उसको 3 से गुणा करने पर 693 वर्ग मीटर। इस तरह से ये आपने ज्ञात कर लिया अर्धवृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल जो होता है 1/2πr². अब अगला है अर्ध वृत्ताकार
प्लेट का परिमाप जिस तरह से वर्त का परिमाप 2πr होता है, तो अर्धवर्त का जो परिमाप है, अर्धवर्त की कंडीशन ये होती है, ध्यान दें। तो ये आधा वर्त तो 2πr की जगह हो जाएगा πr प्लस, यहाँ से ये भी r है और ये भी r है, तो ये हो जाएगा 2r। तो आप देख रहे हैं उसका सूत्र क्या बन गया, πr प्लस 2r, या r कॉमन लें तो बच गया पाई प्लस 2। अब मान लिखें, आर का मान हमें दिया हुआ 21, पाई का मान है 22/7 प्लस 2 बटे में लगा दें 1, फिर कोष्टक को सरल करें लघुतम लेते हुए, कोष्टक को लघुतम लेते हुए सरल करें तो लघुतम आ गया 7, ये बन गया 22 प्लस 7 दुणी 14, तो 21 गुणा इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36/7। अब 7 से 21 को काटिए, इसके पाढ़े में आता है कितनी बार, 3 बार। अब बच गया 3 और 36 गुणा में, गुणा कीजिए 3 गुणा 36 यानी 108 मीटर, इसका मात्रक क्या है, मीटर। इस तरह से ये सवाल नंबर 3, जिसमें दो चीज़ पूछी गई, अर्धवर्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप। अब अगला सवाल है कि 100 चक्कर में, तो आपको पता होना चाहिए कि परिधि क्या होती है, ये वर्त है। इस वर्त में यदि एक आदमी यहाँ से भागना शुरू करे और इसकी बाउंड्री से भागता हुआ वापस इधर ही आ जाए तो उसका एक चक्कर हो जाता है, और एक चक्कर की दूरी परिधि कहलाती है। तो परिधि होती है एक चक्कर की दूरी, और यहाँ पर हम प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 100 चक्कर की दूरी। तो 100 चक्कर से पहले हम एक चक्कर की दूरी निकालेंगे, एक चक्कर की दूरी होती है परिधि, और फिर परिधि का सूत्र लगाकर सवाल को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 4, तो पहले सवाल को समझना चाहिए और फिर आपको सूत्र लगाते हुए मान रखने चाहिए। तो सवाल समझने के लिए सवाल नंबर 4 है, लिखोगे 100 चक्रों में चली दूरी, 88 मीटर है, ये लिखेंगे कि 100 चक्कर में चली दूरी है 88 मीटर। अब एक चक्कर में कितनी आएगी वो आपको दिखना है, 88/100 मीटर, और ये एक चक्कर की दूरी परिधि होती है, एक चक्कर की दूरी वर्त की परिधि के बराबर होती है। अतः आप लिखोगे कि 2πr का जो मान है वो है 88/100 मीटर। अब यहाँ से हमें r का मान ज्ञात करना है, तो ये 2π है, ये इसके बटे में आ जाएगा, r बराबर 88/100, और यहाँ पर आ जाएगा 2π, पाई का मान 22/7, इस तरह से लिखोगे। अब हम देखते हैं 22 88 को काटता है 4 बार, और ये 4 को काटता है 2 बार, इस तरह से r का जो मान आया वो 14/100 मीटर है। यदि हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपको पता होना चाहिए
कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें कितने होंगे? तो ये होंगे 14/100 × 100, 100 से 100 कट गया तो 14 सेमी। इस तरह से मीटर को अपन, ये जो मीटर था उसको सेंटीमीटर में परिवर्तन कर लिया। अब पूछा क्या है, ध्यान दें कि पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आर का मान आपके पास आ गया, आप लिख देंगे। अतः पहिए की त्रिज्या बराबर 14 सेमी होगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि सूत्र आने के बाद में बहुत सरल प्रश्नावली है, जो आपने ये सूत्र हैं वो 8वीं और 9वीं क्लासों में भी पढ़े हुए हैं। तो एक बार इसको आप देखेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। अब है अगला सवाल, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल इतना है, यानी हमें क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए, उसका मान दिया हुआ है, उससे हम आर ज्ञात करेंगे और आर के बाद में परिधि यानी 2πr ज्ञात करेंगे। तो सवाल नंबर 5, पहले लिखोगे वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल जिसका मान है 154 सेमी स्क्वायर, या हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग सेमी। अब इसका सूत्र लगा दीजिए, क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसका मान कितना है 154। अब यहाँ से आर ज्ञात करना सीखिए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ध्यान दें, यहाँ से आएगा आर स्क्वायर बराबर 154/π, और पाई का मान लिख दीजिए, 154/π का मान होता है 22/7, और ये आपको बता दिया है, बटे के नीचे बटाए तो ऊपर भेज दो 7 को, और 22 से 154 है वो कटता है 7 बार, तो ये आ गया आर स्क्वायर बराबर 7×7, आर बराबर √7×7, यानी एक जोड़ा बन गया, तो आर का मान क्या हुआ, 7 सेमी। अभी आर का मान आपको मिल गया 7 सेमी। अब पूछा है उसकी परिधि ज्ञात करो, तो आप लिखोगे प्लेट की परिधि, वर्ताकार प्लेट की परिधि ये होती है 2πr, यानी 2π का मान 22/7 और r का मान 7। यहाँ देख रहे हैं आप, 7 बटे में है, 7 गुणा में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा 7 से 7, और क्या बच गया, 44 सेमी। इस तरह से इसकी जो परिधि आएगी वो कितनी आई, 44 सेमी, ये परिधि आ गई वर्ताकार प्लेट की। अगला सवाल है 6ठा सवाल, जिसमें एक वर्त और एक वर्ग दिया हुआ है, और बताया गया है कि वर्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, अर्थात जो 2πr है वो वर्ग का परिमाप 4×भुजा उसके बराबर है। तो पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग का, तो इस क्षेत्रफल से
वरक की भुजा याद करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि वरक का क्षेत्रफल, वरक का क्षेत्रफल, और ये अपने को दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। अब इसका सूत्र याद करें, दसवीं क्लास में सभी बच्चों को ये छठी सातवीं आठवीं इनमें पढ़ा दिया जाता है। वरक का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। तो आप लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 484। अब भुजा कितनी आई वो आपको ज्ञात करनी है, तो भुजा बराबर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी इसके अंडर रूट में, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 484 का वर्गमूल जिसको याद है वो तो लिख देंगे सीधा, जैसे 22 होता है, लेकिन जिसको पता नहीं है कि कैसे होता है 22, वो अपना एक अभाज्य गुणनखंड बढ़ा ले और उसमें दो दो के जोड़े बनाते हुए गुणा कर दीजिए। ऐसे जैसे आपने सबसे पहले 2 का भाग दिया 2, फिर 8 में 4 बार, फिर 4 में 2 बार, फिर 2 का भाग दिया 1, 2, 1। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 का भी भाग नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जाता है, 11 का जाएगा सीधा। 11 का कितनी बार गया? 11 बार। फिर 11 का चला गया तो क्या बच गया? 1। तो आप देखेंगे आपके पास में 1 2 का जोड़ा है और 1 11 का जोड़ा है, तो ये उत्तर आ जाएगा 2 × 11 यानी 22। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड करते हुए पहले उसकी भुजा ज्ञात करेंगे, फिर प्रश्न की भाषा में जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि उसकी परिमाप है वर्ग की, वो वर्त के परिधि के बराबर है। तो वर्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ये आपको प्रश्न में दिया है। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है कि वर्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब दोनों का सूत्र लगाएं, वर्त की परिधि होती है 2πr और परिमाप होता है 4 × भुजा। 2πr बराबर 4 × भुजा। तो भुजा हमारे पास में कितनी आ गई? 22 मीटर। तो आप क्या लिखोगे? 2 × 22/7 × r बराबर 4 × 22। भुजा का मान 22 मीटर। अब r आपको ज्ञात करना है, तो ये 22 को 4 से गुणा कर दिए, या ऐसे ही रख लीजिए 4 × 22। अब इसके बटे में कौन आएगा? ये दोनों संख्या आएंगी, यानी 2 भी आएगा, 22 भी आएगा, और बटे वाला 7 यहाँ ऊपर लिख दीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि r को छोड़कर ये दोनों चीज़ आप इनके बटे में लिख दीजिए। अब यहाँ से देख रहे हैं 22 से 22 कट रहा है सीधा, 2 से 4 कट रहा है सीधा 2 बार, तो r का मान कितना आ गया? 2 × 7। r बराबर 2 × 7 बराबर 14 मीटर। तो ये इसकी त्रिज्या आ गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है? उसका वर्त का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वर्त का क्षेत्रफल। तो कहते हैं वर्त का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान लिखेंगे 22/7
और आर का मान 14 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 14 गुणा 14। फिर आप देखेंगे कि 7 के पहाड़े में 14 आ रहा है तो इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 7 × 14 यानी 2 बार। अब आपको 22, 14 और 2 को गुणा करना है तो पहले आप 22 का 14 से गुणा कीजिए, 14 × 28 और 2 = 30, गुणा 2। अब 308 को 2 से गुणा कीजिए तो यह आएगा 616 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अतः वर्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखते हैं, ये प्रश्नावली आपकी बहुत सरल है और इसको आपको करना है।